सबसे पहले मैं आप सब वीडियो वालों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सरदार बिंदरजीत सिंह, चेयरमैन नेशनल सिख फ्रंट, मेरे साथ फ्रंट के प्रधान श्री कुलवंत सिंह जी भट्टी और मेरे राइट साइड में हनी सिंह जी, जो कि नेशनल सिख फ्रंट के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बैठे हुए हैं। आज का जो हमारा इशू है वो ये है कि भाई जो कश्मीर में सिखों के साथ हो रहा है या हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, हम आज ये मांग करते हैं कि भैया जो कानून एमपी और यूपी गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, वो कानून जो है लव जात के इंटर मैरिज जो शादी है उससे पहले उसके माँ बाप की भी सलाह ली जाए, वो यहाँ पर भी लागू किया जाए। और अभी जो थोड़े दिन पहले की घटना हुई उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और खास करके पुलिस का रोल जो था वो ठीक नहीं था, लेकिन जुडिशरी जो थी, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि जुडिशरी ने भले प्रेशर के बाद किया लेकिन लड़की को जो था वो वापस जो था उनको कर दिया। यहाँ से मैं एक और बात अपने उन मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि अभी जब कोविड-19 के टाइम पे बहुत सी जो मुसलमान बहनें थी वो बाहर जो थी फंस गई, और वहां से जो हमारे सिख भाई थे उन्होंने उनको अपने खर्चे पे अपना सब कुछ लाकर यहां दिया। और उस टाइम मैंने मतलब वीडियो सुनी कि हमारे मुस्लिम भाई ये कहते थे कि भाई ये अगर जूते भी हमारे सर पे रखें सिखों के तो हम इनका जो है आसान नहीं अब भूल सकते। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई इसमें वहां की जो मुजारती कम्युनिटी है उनको जो बाहर निकल के साथ आना चाहिए था वो नहीं आए, इसलिए हम उनसे भी कहते हैं कि वो जो है इस चीज का ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता कि सभी मतलब मुस्लिम जो है वो गलत है, लेकिन जो गलत है उस तथ्य को भी वो पहचाने। और ये लव जहाद का जो कानून है वो जरूरी तौर पे यहाँ पर जो है वो लागू हो, और ये हमारी आज की जो है मेन मांग है कि वो कानून यहाँ पे लागू होने से कम आगे जो ये सिलसिला है वो रुक जाएगा। और पीछे भी जितने केस भी हुए हैं उनकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो करवाई जाए कि इसके पीछे कौन है और कौन नहीं है।